नोटबैन के समर्थन में एक बार फिर नीतीश ने पीएम मोदी का समर्थन किया, कहा बेनामी संपत्ति के खिलाफ भी उठाएं कदम। इसके साथ अब बेनामी संपत्ति को भी हिट करिए मजबूत। पीओके पर फारूक अब्दुल्ला का बयान को बीजेपी ने बताया शर्मनाक। फारूक ने भारत सरकार से पूछा था, क्या पीओके तुम्हारे बाप का है? तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको। दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी पूर्ण रूप से। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में बीएसएफ की टीम पर आतंकियों ने फायरिंग की, दो जवान जख्मी, एक जवान के पैर में गोली, चीर कर निकली बाहर, अस्पताल में इलाज जारी, आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। आठ साल पहले मुंबई में आतंकी हमले में मारे गए 166 लोगों को याद कर रहा देश, नेताओं ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि, छात्रों ने निकाला शांति मार्च। हाईकोर्ट में जजों के खाली पदों को लेकर चीफ जस्टिस और कानून मंत्री आमने सामने, ठाकुर बोले 500 पद खाली, रविशंकर का जवाब सहमत नहीं। The filling up of the vacancies themselves is becoming a problem. Irrespective. कैसे पहचाने सही टैलेंट को, देखिए डॉक्टर सुभाष चंद्र शो रात 10 बजे। सचिन तेंदुलकर एक अच्छे कैप्टन बन पाए, क्योंकि कैप्टन के लिए टैलेंट्स अलग चाहिए, परफॉर्मर के लिए टैलेंट्स अलग हो।